नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पीवीआर स्टडी में। आज की इस क्लास में हम सब देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा पार्ट। जैसे कि आप जानते हैं, शाम 7:30 बजे से जीरो लेवल बेसिक मैथ आप सभी देखते हैं, तो उसी क्रम में हम सब आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब में हैं तो फेसबुक पर फॉलो करें। क्वेश्चन हम एक एक हल करेंगे, सभी को हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इन छोटी क्लासों में कोई बहुत बड़ा ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कुछ एकदम बेसिक बेसिक होता है। लेकिन आप लोगों के मन में ये बड़ा कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, कब ना पढ़ें। तो हम आपको एक तरफ से सब दिखाएंगे। कक्षा 6 की NCERT बुक में जो आप पढ़ना चाहते हो 6 में, जैसे टेट सुपर टेट में आपका सीटेट वगैरह में 6 से लेकर 8 तक के लेवल का मैथ आता है ना, तो यही सब है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, करना कुछ नहीं है, बस देख लो बस। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक प्रेजेंटेशन का आयोजन किया जाता है, जिसमें पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। क्यों टिकट बेचे गए? प्रदर्शनी में प्रवेश करने के लिए टिकट लग रहे थे। जैसे आप जानते हैं, आप कहीं पर्यटन स्थल पर जाते हैं, जैसे आप जानते होंगे ताजमहल जाते हैं, आप ताजमहल को देखने के लिए अंदर घुसते हैं, या किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं, तो वहाँ पहले टिकट लगता था, तब आप अंदर जाने पाते हैं। तो इस तरह से 4 दिन के लिए प्रदर्शनी लगी और इन चारों में ये रुपयों की संख्या, इतने इतने में टिकट बेचे गए। कह रहा कि इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी, ये रुपये नहीं है, टिकटों का संख्या है, इतने इतने टिकट बेचे गए। मतलब पहले दिन 1094 लोग आए, दूसरे दिन 1812 आए, तीसरे दिन 2050 लोग आए, तो इस तरह से इतने लोग आए, तो कुल कितने टिकट बेचे गए? इसको तो बच्चा भी कर लेगा कि जोड़ना है, सिंपल सी बात है ना। लेकिन आप लोगों के मन में होता है कि कक्षा 6 में क्या है मैथ में, इसलिए मैंने इसको सबको दिखा दिया। तो जोड़ना है तो आप ऐसे नीचे ऊपर लिख करके इसको जोड़ लोगे। अगर थोड़ा सिस्टम से लिखोगे तो इसमें कुछ ऐसा कर लोगे, पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर, पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर लिख लो 1094। फिर आगे लिखना, मैं बोल रहा हूँ, आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्योंकि हम सब कुछ यहाँ पे नहीं लिख सकते। दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर, उसके आगे इसको लिखोगे, फिर लिखना अगली लाइन से, तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर 2050, नीचे लिखना, चौथे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर 2751, फिर नीचे लिखना, इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बराबर। सबसे नीचे लिखोगे इन 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या बराबर, और सब जोड़ दो, 4, 2, 6, 1, 7 और 9, 1, 10, 5, 15, 5, 20, है ना, जोड़ना तो आता है आप सभी को, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। हासिल आया 2, और ये हो जाएगा 8, 7, 15, 2, 17, 7, हासिल आया 1, और 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, यानी कि 7,707 रुपये की कमाई हुई इस प्रदर्शनी से, ठीक ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखना, ध्यान देना, सभी क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, और हाँ, अब हम सभी क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, ये मत परेशान होना कि हम सब लिख के दिखाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी एक बात ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन हम अगर लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा एक्सरसाइज 1.2 का, आप सभी ध्यान से सुनना और क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक ना, ध्यान से सुनना। जिनको जिनको लिखना है, वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन लिख लेंगे, मैं 2 बार बोलूँगा, आप सभी हिंदी लिखना जानते हो। अगर आपको बहुत बड़ी मुसीबत हो रही क्वेश्चन लिखने में तो कमेंट करके बताना, तो हम क्वेश्चन लिख भी देंगे, आपकी ये भी मुसीबत दूर हो जाएगी, ठीक ना। कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा कि हाँ क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन हम नहीं लिख पा रहे हैं। चलिए अब देखना दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। शेखर क्या है? एक प्रसिद्ध क्रिकेट का खिलाड़ी है। सवाल नंबर दूसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहला हो गया। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, इतना आप लिख लिए होंगे, धीरे धीरे लिखेंगे तब भी लिख ले जाएंगे। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। कितना बना चुका है? 6980 रन बना चुका, यानी कि 6980 रन बना चुका है, इतना लिख लिया। वह अब तक टेस्ट मैचों में 6980 रन
बना चुका है, वो 10,000 रन पूरा करना चाहता है। कितना? वो 10,000 रन पूरा करना चाहता है। तो बताइए कि उसे अभी और कितने रनों की आवश्यकता है। तो अभी वो और कितने रन बनाएगा बताइए। चलिए आप सभी बताइए कितने रन और बनाएगा अभी। वो तो 10,000 हो जाएंगे। देखो यार, इसको सिंपल सी बात है समझने की, आप सभी समझ गए होंगे क्या करना है। 10,000 में से इसको घटा लेना है, बस जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? घटा लोगे ना आप सभी 10,000 से, ये 6980 घटा लो, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल छोटा सा समझ लो प्यारा सा। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 6 रुपया है, हमारे पास कितना है? 6 रुपया है, और मैं 10 रुपये पूरा करना चाहता हूँ। तो ये बताओ कि हम और कितना रुपया अभी और पा जाएं जिससे कि 10 रुपये हो जाए। चलो बताओ, हमारे पास 6 रुपये हैं और कितना अभी हम और पा जाएं कि 10 रुपये हो जाए। इसको तो जानते हो ना, कमेंट करके बता दोगे कि 4 रुपये और मिल जाए तो 10 रुपये हो जाएगा। लेकिन ये सोचो, वो 4 आया कहाँ से? वो 4 कहाँ से आया? सोच करके थोड़ी आया कि मैंने सोच लिया 6 4 10 होता है तो हो गया। आप यहाँ नहीं सोच पा रहे हो क्योंकि वो बड़ा है। तो इसलिए तरीका जान लो, ये सोचने से नहीं आता है। जितना हमें पूरा करना है यानी 10, उसमें से ये पहले वाला घटाओगे, आएगा 4, और यही 4 क्या होगा? उत्तर। तो उस तरह से आप इसको घटा लोगे। तो ये आपके 2 सवाल हो चुके हैं। तीसरा सवाल ध्यान देना, कह रहा कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,000 और 500 मत पाए हैं। मत मतलब होता है वोट। आजकल आप जानते हैं भारत में सिर्फ वोट की चोट होती है ना? जनता जब कुछ नहीं कर पाती है तो चुनाव में हराती है, और चुनाव में हारता कौन है? जो ज़्यादा ईमानदार बनता है ना? बाकी यहाँ पर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मैं नहीं मिटा रहा हूँ, इसको लिखा रहने दो नीचे। तीसरा क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नोट कर लेना अगर आपको पढ़ना है तो। वैसे अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो क्वेश्चन लिखा होगा। तीसरा नंबर देखो, एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। कितना? ये इतना। किसने पाया? आप लिख लेना ऐसे, सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए बराबर 5,77,500, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने, निकटतम प्रतिद्वंदी का मतलब ये होता है जो चुनाव में दूसरे नंबर पर आता है। कहने का मतलब, जैसे चुनाव में एक एग्जांपल ले लें अपने रियल लाइफ का, आप सभी भी जानते होंगे। तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी चुने गए 2019 में, आपने देखा दोबारा से है ना? तो इनके दूसरे नंबर पर जो पार्टी थी, मतलब जो जीती तो नहीं लेकिन मतलब इनके दूसरे नंबर पर थी, जैसे कहने का मतलब इनके पीछे, वो कहने का मतलब क्या है? वो प्रतिद्वंदी है, निकटतम प्रतिद्वंदी है। जैसे आपके गांव में चुनाव हो रहा है विधायक का, प्रधान का या सांसद का, तो जो एक कोई जीत जाता है उसके पीछे जो उससे थोड़ा कम वोट पाया रहता है वो निकटतम प्रतिद्वंदी कहलाता है। ठीक है? तो निकटतम प्रतिद्वंदी कितना पाया है? 3,48,700, 3,48,700 मत कौन पाया है? निकटतम प्रतिद्वंदी है ना, निकटतम प्रतिद्वंदी लिख लेना। प्रतिद्वंदी नहीं लिख पाना तो बताना, लिख देंगे। ठीक है, लिख ही दे रहा हूँ मैं। तो पूछा क्या गया है कि सफल प्रत्याशी ने कितने मतों से जीता, मतलब कितने मतों से चुनाव जीता, बताइए। सफल जो हुआ, जो जीता, वो कितने मतों से जीता, बताइए, जवाब दीजिए। देखो यार, सिंपल सी बात है, कह रहा कि जो जीता वो 5,77,500 वोट पाया, और जो उसका निकटतम है दूसरे नंबर पर वो 3,48,700 वोट पाया है। तो ये जो जीतने वाला है वो कितने वोट से जीता है? जैसे आपके यहाँ आप देखिए कि आपके बीजेपी की पार्टी के जो विधायक हैं या सांसद हैं, उन लोगों ने चुनाव जीता। ठीक है? दूसरे नंबर पर जो समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे दूसरे नंबर पर, वो हार गए। तो अब ये आपको अनुमान लगाना है कि उसमें जो जीत गए हैं वो कितने वोट से जीते हैं उनसे। आपने सुना होगा टीवी चैनल में देते हैं कि भाई फलाने ने फलाने को इतना वोट से हरा दिया,
उसका मतलब क्या होता है पता है? उसका मतलब यही होता है कि उन्होंने जो वोट पाया है, उसके जो पीछे है दूसरे नंबर पर, वो उससे कितना कम वोट पाया है। तो इसके लिए क्या करोगे, एक एग्जाम्पल ले लो छोटा सा, एक एग्जाम्पल ले लो छोटा सा। जैसे मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल में कोई भी दो पर्सन हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक है ए और एक है बी। अब ए चुनाव में जीत जाता है, जो कि चुनाव में 50 वोट पाया है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ए चुनाव में 50 वोट पाया जो कि जीत जाता है, और बी जो है वो 45 वोट पाया लेकिन हार गया। तो अब आप ये बताओ कि वो कितना वोट ज़्यादा पाया जो जीत गया, इसको तो आप जान जाओगे ना, 5 वोट ज़्यादा पाया ना। लेकिन कैसे समझ में आया? समझ में ऐसे आया कि आपको ये जो जीतने वाला है ना बंदा, उसमें से इसको घटा देना है हारने वाले का वोट, तो जो आएगा उत्तर हो जाएगा। तो उसी तरह से आप इसको घटाओगे इसमें से, तो जो आएगा वो क्या होगा, वो वोट होगा जिससे वो जीता है। बात समझ में आई ना? तो घटा लो इसको चुपके से फिर, ठीक है ना? तो घटा लो ये, देखो 0 15 से 7 गया 8, इसमें से उधार गया था तो 16 16 से 8 गया 8, इसमें से उधार गया 6 में से 4 गया 2, ये इसको उधार दिया था भाई, ये किसी को नहीं दिया। यानी कि वो 2,28,800 वोटों से जीता है। कितने से जीता है? 2,28,800 वोटों से जीत गया। इसके बाद ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया साथियों। चौथा क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको भी सुन लो ध्यान से, बहुत ही गौर से सुनना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,890 रुपये की पुस्तकें बेची। कीर्ति बुक स्टोर ने कितने की पुस्तकें बेची? 2,85,891 रुपये की पुस्तकों को बेचा, और इसी माह के दूसरे सप्ताह में उसने 4,768 रुपये की पुस्तकें बेची। तो बताइए दोनों सप्ताह में मिलाकर कितनी पुस्तकें बेची गई, और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? देखो यार सिंपल सी बात है, इसको तो आप कर ले जाओगे ना, जल्दी कमेंट करके बताओ कौन कौन कर लेगा। और हाँ, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की वो तुरंत कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि उनको सारी क्लास मिलती रहे। और साथियों एक बात आपको और बता दें, अगर आपने PBR स्टडी ऐप्स को इंस्टॉल नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, देर मत करिए, जिससे कि आपको सारे क्लास ऐप्स में इकट्ठा मिले, पूरा कंप्लीट मिले, नहीं तो हो सकता है कि आपको सारी क्लास ना मिल रही हो, ठीक ना? तो बात समझिए, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कीर्ति बुक स्टोर ने कह रहा कि जून महीने में 2,85,891 रुपये की पुस्तकें बेची है, और जो इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4 लाख रुपये के लगभग बेचा है। तो कह रहा कि दोनों सप्ताह में कुल कितनी बिक्री हुई, दोनों जोड़ दोगे? जोड़ लोगे ना? क्या जोड़ना है? 2,85,891, दूसरे सप्ताह में 4,768, 4,768, ये पहले सप्ताह में, ये दूसरे सप्ताह में इतने इतने रुपए की किताबें बेचा गया बुक स्टोर के द्वारा। तो कह रहा है कि कुल कितना रुपया की किताब बेची गई, दोनों जोड़ लेना, उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें और ये भी पूछ रहा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है और कितनी अधिक हुई है। अरे ये तो अंधेरे मने को भी दिख रहा होगा कि भाई इसमें 4 लाख की बिकी थी, इसमें 2 लाख की बिकी थी, इसका मतलब दूसरे सप्ताह में अधिक बिकी है, दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, लेकिन ये भी पूछा है कि कितना रुपया की अधिक बिक्री हुई। तो कैसे जानोगे? जैसे यार एक छोटी सी दुकान खोले हैं, मान लो हमने पहले महीने में 100 रुपये का सामान बेचा, सॉरी पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में हमने 112 रुपये का बेचा। अब बताओ कितना रुपया ज़्यादा बेचा दूसरे सप्ताह में? 12 रुपये ना। कैसे मिला 12 रुपये? कैसे पता चला कि 12 ज़्यादा बेचा? इसमें से दूसरे वाले से पहले वाले घटा लोगे, छोटा वाले को घटा लोगे, तो वैसे इसमें से इसको क्या करोगे, घटा लोगे, उत्तर आ जाएगा। चलिए ये हो गया आपका चौथा। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है। पांचवा क्वेश्चन समझने लायक है, क्या है वो भी ध्यान से सुनना, और क्वेश्चन आप सभी नोट करते जाओ। अगर आप क्वेश्चन नोट करोगे तो बहुत अच्छा होगा, मैं बोल रहा हूँ। क्यों मिट जाता भाई, तू काम का है ना, मत मिट। चल अंकों 6 2 7 4 और 3 में से, देखो मैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, देखना। अगर आपके पास बुक नहीं तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा ध्यान से, सुनिए। अंकों 6 2 7 4, अंकों
6, 2, 7, 4, आप अंकों लिख लेना आगे, और तीन में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए पांच अंकों की बनाई जा सकने वाली बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन अंकों को मिला करके पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखना। देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ अलग, इससे थोड़ा सा छोटा, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको छोटी बातों को समझना होगा। साथियों, जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा कि 1, 2, 3 मिला करके, मतलब तीन अंक हैं 1, 2, 3, इनको मिला करके बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या बनेगी और छोटी से छोटी कौन सी संख्या बनेगी, तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने कहा कि ये हमारे तीन अंक हैं, इनको मिला के बड़ी से बड़ी संख्या क्या बना सकते हो? देखो, आप इनको मिला के 123 लिख सकते हो, इनको मिला के आप 231 लिख सकते हो, इनको मिला के आप 321 लिख सकते हो। तीन अंक की संख्या है तो तीन ही तो बना सकते हो ना ऐसे, और क्या कर सकते हो यार, और क्या कर सकते हो आप सभी, और भी कुछ कर सकते हो, 3, 1, 2 भी लिख सकते हो, है ना। और हम क्या लिख सकते हैं, 3, 1, 2 हो गया, 3, 2, 1 हो गया, 2, 3, 1 हो गया, और 2, 1, 3 लिख सकते हैं। कुछ भी कर लो, ये जान लो कि सबसे बड़ा ही 321 है। चाहे जैसे भी कर लो, सबसे बड़ा ही आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा। सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटा 123 आएगा। लेकिन ये 100 बात की एक बात मैं आपको बताऊं, ये सब करोगे लफड़ा तो काफ़ी टाइम लगेगा। कैसे जानोगे कि कौन सी बड़ी होगी और कौन सी सबसे छोटी होगी? इसके लिए एक सिंपल सी बात जान लो, दी गई संख्याओं को पहले आप किसी एक क्रम में लिख लोगे। जैसे देखो, ये आरोही क्रम है, असेंडिंग आर्डर है। क्या है ये? आरोही क्रम में लिखी गई, असेंडिंग आर्डर में। तो अगर आप इनको आरोही क्रम में लिख दोगे तो वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी इन अंकों को मिला करके बनने वाली। ठीक है, ये क्या है, ये संख्या छोटी से छोटी बन गई। और हाँ, अगर इन्हीं को आप आरोही क्रम में लिख दोगे, मतलब उल्टे क्रम में, 3, 2, 1, क्या लिख दोगे, 3, 2, 1, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। याद रखना बस, बाकी इनसे और भी संख्याएं बनेंगी। आप तीन अंक लोगे तो उससे 9 संख्या बना लोगे। देखो यहाँ पे बन रही ना, 5 तो बना ही लिया मैंने, तो ये बना तो लोगे आप 5, 6, 9 संख्या, लेकिन सबसे बड़ी संख्या वही होगी जिसको आप दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिख करके बनाओगे। आरोही क्रम में बनाओगे तो छोटी से छोटी होगी, आरोही क्रम में बनाओगे तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो बात को आप सभी समझते चलिए, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। साथियों, जो लाइव क्लास हम आपके लिए लाते हैं ना, उसमें आप लोगों के नाम बोलते हैं और बहुत कुछ होता है, काफ़ी टाइम लास्ट होता है यार, काफ़ी टाइम मतलब वेस्ट होता है जिसे बोलते हैं, और उस क्लास से मैं खुद संतुष्ट नहीं होता हूँ, सही बता रहा हूँ आपको। बस आप लोगों की खुशी के लिए मैं लाइव चला देता हूँ, तो लाइव आपको मिलते रहेंगे। अगर आप इस क्लास को PVR स्टडी प्रयागराज पर देख रहे हैं तो PVR स्टडी 4.0 को तुरंत सब्सक्राइब करें, देर ना करें। अगर अभी तक आपने PVR स्टडी ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो प्ले स्टोर पर जा करके PVR स्टडी लिख के सर्च करो। प्ले स्टोर में जाके सिर्फ PVR स्टडी लिख के सर्च करना, PVR स्टडी का ऐप मिल जाएगा। नीचे लिखा होगा PVR स्टडी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, और उसमें PVR पीले कलर में लिखा होगा और स्टडी लिखा होगा वाइट कलर में, उसको इंस्टॉल कर लेना। अगर किसी प्रकार की आपको कोई मुसीबत लगती है उसमें, तो 94 55 63 38 37 पर आप 24 घंटे व्हाट्सअप करके इंक्वायरी ले सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं pvrstudy@gmail.com पर। इसके अलावा सुबह 10 से शाम 4 के बीच में आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है, यहाँ पर हम आपको दिखा दिए, आप इनको देख लीजिए और लिख लीजिए। अगर और भी कोई सवाल है तो निःसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं। चलते चलते एक विनम्र निवेदन होगा कि अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको अगली क्लास भी मिलती रहे। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो PVR स्टडी के Facebook पेज को लाइक करके फॉलो कर लें, जिससे आप वहां से सारी अपडेट पाते रहें। जय हिंद, मिलेंगे फिर अगली क्लास में थोड़ी ही देर में। तब तक के लिए देखते रहें आपका अपना PVR स्टडी, बेस्ट रहें, मस्त रहें, देखते और दिखाते रहें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। मैथ आसान है, बिल्कुल आसान है।